हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी मैं बीए प्रोग्राम के जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, व्यवहार और सिद्धांत के आंसर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो लेट आंसर प्रोवाइड कराऊँ भाई, इसके लिए तो पहले सॉरी। और यहाँ पे अभी मैं प्रोवाइड कराऊँगा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड का और फिर सेकंड का। तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप देख लो, अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलते हैं आंसर। हाँ फ्रेंड्स, तो अनुवाद की प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा। तो यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है, इस जगह से। ये विषय सूची आपको नहीं लिखनी है, आपको यहाँ तक लिखना है पहले, फिर उसके बाद आपको अनुवाद की इकाई लिखनी है। और ये आपको लिखना कहाँ तक है, यहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ से लेके, ठीक है। फिर आपको ये आयाम लिखने हैं, पाठ्यगत आयाम, यहाँ से एक ये दो आयाम लिखने हैं बस। फिर यहाँ पे इसके विभिन्न प्रारूप, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है पूरा। विभिन्न प्रारूप यहाँ से आप लिखोगे यहाँ तक, फिर नीचे सामान्य संदर्भ। ये ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप इसको छोटा करके भी ले सकते हो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें से काट सकते हो, लाइन जो है वहाँ से कंप्रेस हो जाएगी। विश्लेषण, तो ये पूरा आपको लिखना नहीं है, इसमें से आप छोटा करके लिखना ताकि सारे पॉइंट जो हैं मैच हो जाएं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था इसका जो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला पुनर्गठन, ये लास्ट पॉइंट है। तो इसके बाद आपको रुक जाना है। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम करवाने वाले हैं आंसर नंबर सेकंड आपको, अनुवाद में कोश ग्रंथ की उपयोगिताओं पर प्रकाश डालिए। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, तो अनुवाद की आवश्यकताएं ये होती है, देखो भाई अनुवाद की आवश्यकताएं यहाँ से लिखनी है आपको सारी की सारी, ये पूरा नीचे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि इसी तरह से हम आपको आंसर बाकी के प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और ये आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। ये पॉइंट्स हैं आपको, जिसमें से जितना पॉइंट्स लिखने हैं आपको, छोटा जितना करना है आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको रुक जाना है लास्ट, यहाँ पे आपका आंसर दोनों खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट आंसर जल्दी लेके आएंगे।